الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پتھر کو یوں تراشا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا سبحان اللہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا سبحان اللہ صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا سبحان اللہ ماشاءاللہ صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا دونوں جہاں کی خوشبو دونوں جہاں کی خوشبو پھولوں سے نچوڑ کر
रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। खुशबू है दो आलम में तेरी, पसीना खुशबू है, खुशबू है दो आलम में तेरी, ऐ गुले चीदा किस्मों से बयां हूं तेरे औसाफ हमीदा। सुभान अल्लाह, यही अर्ज करने को जी चाहता है मदीने में मरने को जी चाहता है। ये किस जाने जाना का फैज़े नजर है कि जी से गुजरने का जी चाहता है। बिगड़ने ही में ये उम्र गुजरी है सारी, बिगड़ने ही में ये उम्र गुजरी है सारी, खुदाया अब संवरने को जी चाहता है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زينة بزم حضرات علماء کرام، نجوم بزم، مبلغین و خطباء اسلام، और आज की इस बज़्म के बहुत ही काबले कदर काबले एहतराम मेरे बुजुर्गों दोस्तों और अकनाफ और अतराफ में तशरीफ फरमा मेरी बहनों और बेटियों, उलमा की इतनी बड़ी सफ यहां पे तशरीफ फरमा है कि बाज का जिक्र किया जाए बाज का ना किया जाए तो शायद मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता इस बज़्म में हमारे लिए बहुत ही काबले कदर काबले एहतराम शख्सियत हजरत अल्लामा खालिद महमूद साहब दामत बरकातहुम तशरीफ फरमाए, हमारे लिए एजाज है कि वो यहाँ पे तशरीफ फरमा है। उलमा की एक बड़ी तादाद यहाँ पे तशरीफ फरमा है। इस मरकज की तामीर के बाद मैं आज पहली बार यहाँ हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बरादरे मुकर्रम मोहतरम हजरत मौलाना कारी तसव्वुर अल हक साहब को कि उनकी बेपनाह कोशिशों काविशों ने ये एक खूबसूरत मरकज हमें दिया है। मैं उनकी इन काविशों पर उनकी इन कोशिशों पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ
और आज की हमारी उस मुलाकात का जरिया भी उन्हीं की मुबद्दतें और मोहब्बतें रही। बावजूद इसके कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल की वजह से आने में ताखीर रही, लेकिन आप तमाम दोस्तों और मेहरबानों की इज्जत और मोहब्बत हमेशा दिल के अंदर अंगड़ाइयां लेती रही। मैं हजरत मौलाना कारी तसव्वुरुल हक साहब को, उनके रुफका को, मुआविनीन को यह खूबसूरत मरकज कायम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। क्योंकि ये बड़े एजाज की बात है, बड़े फख्र की बात है कि मेरा रब किसी को अपना घर बनाने की तौफीक अता फरमा दे। लोग दुनिया से जाते हैं तो कुछ बंगले छोड़कर, कुछ बड़े बड़े प्लाजे छोड़कर, और कुछ ऐसे हैं बदनसीब जो क्लब और थिएटर छोड़कर। और कारी साहब आप खुश नसीब हैं कि आपने अपनी जिंदगी में एक खूबसूरत अल्लाह का घर तामीर करके इन लोगों को एक तोहफा दिया है। इस पे खराज तहसीन पेश करता हूं। एक रिवायत नजरों से गुजरी कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो मस्जिद आज ज्यादा रोशन नजर आई। तो पूछा कि ये आज ज्यादा रोशनी क्यों लग रही है, तो बताया गया कि तमीम गारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चिराग लाया है, उसे रोशन किया गया। तमीमदारी को बुलाया, तमीमदारी कहां से चिराग आया? अर्ज की अल्लाह के महबूब मेरा गुलाम शाम गया, बड़े साइज का चिराग लेके आया, जो ही घर में रोशन किया मेरा घर मुनव्वर हो गया, तो मुझे एकदम मस्जिद नबवी का ख्याल आया कि तमीमदारी का घर तो जगमगाए और मस्जिद मुस्तफा के अंदर उस तरह की रोशनी का इंतजाम ना हो। मैंने फौरन चिराग उठाया, लेकर यहां पे आ गया तो अल्लाह के महबूब का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। फरमाया, तमीम, अगर आज मेरे घर में कोई बेटी होती तो मैं तुझे आज वो निकाह में दे देता। तो आपके पहलू में खड़े जनाब अकील इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि आका, आपने फरमा ही दिया है तो मेरी बेटी भी तो आपकी बेटी है, आपने फरमा दिया है तो तमीम को बेटी दे दे। मस्जिद में चिराग रोशन किया तो मुस्तफा के घराने से निस्बत कायम हो गई। तो जिसने मस्जिद पूरी बना दी और फिर मस्जिद बनाई नहीं बल्कि उस मस्जिद में कुरान और सुन्नत के चिराग रोशन कर दिए, उसका कितना बड़ा मकाम होगा, उसको कितना बड़ा एहसास होगा, उसे कितना बड़ा मकाम मिलेगा। और आज की ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में नहीं, दियारे गैर में हो रही है। आज कदम कदम पे ईमान लूटने के सामान और लूटने के सामान मुहैया है। ऐसे में मस्जिद के साथ इस तरह की कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करके अपनी नस्ल को मस्जिद के साथ जोड़ना, मैं ये समझता हूं इस नस्ल के साथ इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती। मस्जिद और मदरसे के साथ आज सबसे बड़ी चीज ये जो मस्जिद और मदरसे के साथ वाबस्तगी है, ये कितनी बड़ी चीज है। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अमेरिका में एक इमाम साहब ने एक वाकया सुनाया
कि मेरी मस्जिद में मेरा नमाजी पहली सफ में मस्जिद में सवेरे आने वाला बड़ा खूबरू नौजवान पहली सफ में आके बैठता था और मस्जिद के साथ बड़ी वालिहाना मोहब्बत थी। इमाम साहब कहने लगे उसके अखलाक की वजह से मेरा भी उसके साथ ताल्लुक बन गया, लेकिन अचानक वो गायब हो गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां चला गया? दोस्तों से पूछा, मोबाइल बंद, रابطہ खत्म, कहां गया, किधर गया, कोई पता नहीं। यहां तक कि हम मायूस हो गए, किसी हादसे में वो मर गया, क्या हुआ? 3 साल के बाद अचानक देखा कि फिर उसी जगह बैठा हुआ है। 3 साल के बाद मैंने कहा, अरे भाई कहां चले गए, ये क्या हुआ तुम्हें कि अचानक यहां से निकले गायब हो गए? तुम अजीब आदमी हो, फोन तो करता है आदमी, किस मुसीबत में थे? उसने कहा, हजरत मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाकया, और ये मैं अपने नौजवान दोस्तों को ये बहुत अहम चीज समझाना चाहता हूं कि ये ताल्लुक कितनी बड़ी चीज है, ये निस्बत कितनी बड़ी चीज है। कहा कि मैं जिस दफ्तर में जॉब करता था, मेरे जो कोलीग लड़की थी उसके साथ मेरा ताल्लुक बना, मैंने उसे शादी के लिए ऑफर कर दी। तो उसने कहा कि हम ईसाई तो हैं लेकिन खानदानी है, तेरे साथ ऐसे भागकर नहीं निकलोगे। अगर तुम वाकई मेरे साथ शादी करना चाहते हो, मेरे पेरेंट्स से, मेरे वालदेन से बात करो। मैंने कहा ठीक है, वालदेन से बात करता हूं। मैंने कहा जी मैं शादी करना चाहता हूं इससे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन चंद शर्तें। मैंने कहा कौन सी शर्त? उसने कहा पहली शर्त तो यह है कि ये तुम वापस अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं जा सकते। मैंने कहा मंजूर है। कहा दूसरी शर्त कि तुम अपने किसी दोस्त से ताल्लुक नहीं रख सकते। मैंने कहा मंजूर। कहा तीसरी शर्त, तुम वीकेंड पे चर्च जाया करोगे। मैंने कहा मंजूर है, इश्कंदा होता है। मैंने कहा मंजूर है। यहां तक कि उसने कहा कि इस्लाम को भी खैराबाद कह दो। तो मैंने कहा मंजूर है। कह लगा मैं उस लड़की के साथ शादी हो गई, चला गया, रहने लगे। तो मैं अपने साथ जो किताबें लेके गया, उन किताबों में मेरा कुरान करीम भी था। मेरा कुरान मेरी अलमारी में ऊपर खाने पे पड़ा था, पढ़ता नहीं था, रोजाना जब उठता था कुरान से आंखें चार होती तो मेरा सर झुक जाता, मैं कुरान का सामना नहीं कर सकता, मेरा सर झुक जाता। रोजाना मेरा मामूल था कि मेरी निगाह उठती, खामोश कुरान मुझे दावत इस्लाम दे रहा होता, लेकिन मैं जिंदगी गुजारता रहा। एक दिन जब आया तो मेरी कुल मता उस घर में, नौजवानों इसे समझने की कोशिश करना, मेरी कुल मता उस घर में सवाए उस कुरान के बाकी दीन का कोई रिश्ता नहीं था। तो कहा कि जब मैं एक दिन आया तो देखा कि वो मेरा महबूब तरीन दोस्त, जिससे मैं आंखें तो नहीं मिलाता था लेकिन उससे प्यार मेरे दिल में कहीं जरूर था, आंखें मिलाने की जसारत नहीं कर सकता था लेकिन दिल में उसकी मोहब्बत जरूर थी। आज जब मैं घर आया तो देखा वो वहां नहीं है, मैं बेचैन हो गया, मैं तलमलाने लगा कि वो किताब किधर गई, वो होली बुक किधर गई। उसने कहा उससे तुझे क्या गरज, उससे तुझे क्या गरज,
न तू पढ़ता है न मैं पढ़ती हूं, तो आज मैंने घर के अंदर जो कूड़ा जमा किया था उसमें उसको भी बाहर जो है वो डस्टबिन में फेंक के आई। कहने लगा मैं तो तड़प गया, मैं तो तड़प गया कि कुरान कूड़े में, मैं ऐसे पागलों की तरह दौड़ा और दौड़कर मैंने कुरान वहां से निकाला, चूमा, रोना शुरू हो गया, कुरान को सीने से खूब दबाया। वो यूं लग रहा था कि जैसे 2 साल से मेरा दोस्त पिछड़ा हुआ था, आज मैंने उसे सीने से लगाया, मैंने खूब लगाया, रो रहा हूं और वो दरवाजे पे खड़ी तक रही है। मैं कुरान लेकर अंदर की तरफ बढ़ा, वो दरवाजे पे तन कर खड़ी हो गई। कहने लगे इस घर में 2 नहीं रह सकते, या मेरे साथ रहो या कुरान के साथ रहो, 2 नहीं रह सकते, या मेरे साथ रहो या कुरान के साथ रहो। तो कहने लगे उस कुरान के सिर्फ वजूद ने मेरे ईमान को बाकी रखा हुआ था, आज मेरा 3 साल से सोया हुआ ईमान जाग गया था, सोया हुआ ईमान जाग गया। और मैंने कहा कि मैं तुझे जूती की ठोकर पर पूछता हूं, तू अगर नहीं है तो मैं तुझे नहीं, तुझ जैसे हजारों को छोड़ सकता हूं, कुरान को नहीं छोड़ सकता, तो लिहाजा मैं आज उसको छोड़कर ये कुरान मुझे दोबारा मस्जिद के अंदर लेकर आया। ये वाबस्तगी है इस मस्जिद के साथ, ये वाबस्तगी है सीरत के साथ। हजरत अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, तारीख पे बहुत गहरी नजर है, मैं एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखा कि कौम गुर्बत की वजह से मिट गई हो। मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर कि किसी कौम पर कोई वबा आई, बीमारी आई, सारी कौम मिट गई। मैंने नहीं पढ़ा कि किसी और वजह से कौमें मिटी हों। हां, जब भी कोई कौम मिटी है, जब भी कोई कौम तबाह हुई है, तो सबसे पहले मैंने देखा जब उस कौम का अखलाक और उस कौम का करैक्टर खत्म हो गया तो वो कौम बाकी नहीं बचा करती। कौमों का करैक्टर जब खत्म हो जाता है, उनके अखलाक खत्म हो जाते हैं, तो वो कौमें कभी नहीं बचा करती। और याद रखो ये सीरत नबी का गुलदस्ता महका कर उस करैक्टर और किरदार की तरफ तुम्हें हर साल बुला रहे हैं। मैं पूरे यूके में रहने वाले उलमा और अहले इल्म को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने अपने नामुसाइद और मामूली हालात में रहते हुए भी उन्होंने इस शमा को हर जगह रोशन किया ताकि हमारी किरदार साजी होती रहे। ये क्या वजह है? इकरमा इब्न अबी जहल जंगे यरमूक है, एक लश्कर लेकर आगे बढ़ते हैं, तो दुश्मन का सालार अपने पादरी से पूछता है कि कौन लोग हैं, तादाद में, असबाब में हमसे कम है, और जहां भी हमारी इनके साथ लड़ाई होती है जीत ये जाते हैं। तो पादरी ने कहा कि ये लोग असलहा पर एतमाद नहीं करते, ये असबाब इख्तियार करके रब्बुल असबाब पर एतमाद करते हैं। और इससे भी बड़ी बात, उसने कहा कि ये वो लोग हैं कि इनकी आंखों में हया है और बाहया आंख कभी झुका नहीं करती, बाहया इंसान कभी मिटा नहीं करता, बाहया इंसान बुलंदियों पर जाया करता है। और आज हमें उस जगह पहुंचा दिया गया है कि आज कश्मीर के अंदर, आज फलस्तीन के अंदर, आज शाम के अंदर मुसलमान का कत्ल हो रहा है,
बर्मा में मुसलमान के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मत कहीं क्रिकेट में मसरूफ है, कहीं पैगाम भेजने में अपने मोबाइल्स में मसरूफ है, कहीं कौम थिएटरों में मसरूफ है, कहीं कौम किसी में मसरूफ है। कश्मीरी कट गया, कश्मीरी लुट गया, कश्मीरी पिट गया, और मैं इस्लामाबाद आधा घंटा खड़े होकर उस पे मातम कर रहा। आज कश्मीर के अंदर जो जुल्म, जो जोर, जो बर्बरियत है, दीन इस्लाम एक तरफ, इंसानियत के तकाजे को सामने रखो, कुत्तों और बिल्लों की जिंदगी की तो हिफाजत का इंतजाम किया जाता है, क्या कश्मीरी का खून उस कुत्ते और बिल्ले से भी अलायाज़ो बिल्ला नीचे गिर गया? याद रखो, जब तक ये उम्मत मुस्तफा वाले अखलाक पे नहीं आएगी, सहाबा वाले किरदार पे नहीं आएगी, उस जिंदगी को उस डगर पर नहीं ले जाएगी, गुलामी इसका मुकद्दर होगी। इसे आसूदगी तो मिल सकती है, इज्जत नहीं मिल सकती। आसूदगी और चीज होती है, इज्जत और चीज होती है। इज्जत उन्हें मिला करती है जो कुर्बानी दिया करते हैं, और जो कुर्बानी दिया करते हैं मेरा रब उनके लिए ऐलान करता है। क्या? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر। عظمتوں والے رب نے عجیب بات فرما دی، میرے محبوب انا اعطینا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو دیں گے، क्योंकि इलेक्शन में तो लीडर आते हैं ना, तो कहते हैं हम आपको ये देंगे ये देंगे, हैं? और जब वो इलेक्शन जीत जाओ तो फरमाना है उनके, ये तो सियासी नारे सन, चले लोग क्यों आए हो। हमारे एक वजीर आजम साहब कहने लगे पाकिस्तान के, तो कहने लगे कि मेरे पास मेरे गांव का बंदा आया, तो कहने लगा वजीर आजम साहब मेरे पुत्र को नौकरी चाहिए है। वजीर आजम पाकिस्तान के पास, उन्हें खुद सुनाया, तो कहने लगा कि मेरे पुत्र को नौकरी चाहिए है। तो मैं पूछा पुत्र तड़क के पड़िया हुआ है? कहने लगा जो तू वोट मंगन तुसी आए से, फिर मैं पूछा सी कि तुसे की पड़े हुए हो। हमारे यहां तो लीडरशिप ही है, लेकिन मेरा रब इन्ना आपाइना कल कौसर। अहले इल्म की मौजूदगी में एक बात कहने लगा, मेरे महबूब हमने आपको दे दिया, और अगर यूं कह दूं मेरे महबूब हमने देने में इंतहा कर दी, तूने बांटने में इंतहा कर दी। इन्ना आपाइनाक कल कौसर, इन्ना आपाइनाक कल कौसर। कौसर क्या है? बेशुमार मानी है, मैं सिर्फ एक को लूंगा। ओ मेरे महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दी,
सीरत का पैगाम दे रहा हूं। अल्लाह इस जलसे से आज सीरत का पैगाम लेके जाओ। इन्ना अतैना कल कौसर, ओ मेरे महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दी, दुनिया की खैर भी तुझे अता कर दी, आखरत की खैर भी तुझे अता कर दी, खैर की जितनी भी किस्में हैं मेरे महबूब तेरे दामन में डाल दी है। सुभान अल्लाह। खैर तलाश करने के लिए किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, वो खैर हौज़े कौसर है तो हमने अता कर दी, वो खैर कुरान है तो अता कर दी, वो खैर इस्लाम है तो अता कर दी, वो खैर आपकी जमात है तो अता कर दी, वो खैर आपकी उम्मत है तो अता कर दी, जो भी दुनिया और आखरत की खैर है मेरे महबूब हमने आपको अता कर दी। लिहाजा खैर तलाश करने के लिए किसी और दरवाजे पे एक और बात कह देता हूं। मेरे रब ने फरमाया क्या, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, व दाइयन इला अल्लाह बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। ये तो पूरा एक मौजू है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मेरे रब ने मेरे महबूब को फरमाया सिराजम मुनीरा, और जब दुनिया के चांद सूरज की बात आई तो रब ने क्या कहा, अलम तरौ, आए हाय, अलम तरौ कैफ खलक अल्लाह सबअ समावाति वत्तिबाक, सुभान अल्लाह, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا। दुनिया में चांद और सूरज की बारी आई, कमर को नूर कहा, चांद को सिराज कहा, और जब आमना के लाल की बारी आई तो मेरे रब ने दोनों को यहां जमा कर दिया। सुभान अल्लाह। अब जो बात कहने लगा हूं ना वो बड़ी जबरदस्त है, अगर समझ में आ जाए। अगर बर्मिंगम के चौक में जिस दिन चंगी तुप चढ़ी मिल रहे, चिटका ठीक निकले आपने, तो उत्थे अगर कोई नौजवान अजीज मोमबत्ती जलाई तो अखबार पढ़े 12 बजे तड़ी है तो उसकी का अफसोस है? नहीं, क्यों पागल, लवन में शो, चला हो गया है कि जनाब सूरज निकला हुआ, अखबार पढ़ रहा है मोमबत्ती में, तो सारे कहते हो चल्ला हो गया, आए हाय। अगर ये बात समझ में आ गई तो अगली बात सुनो, वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने खैर वाला सूरज तुम्हें अता कर दिया, और जब तुम्हारे घर में तुम्हारे आंगन में मेरे महबूब की नबूवत वाला सूरज चमक रहा है तो तुम मोमबत्ती माफिया के पीछे क्यों चल रहे हो? तुसी तो मोमबत्तियां बाल के क्यों चल रहे हो? तुम तो इतने गनी हो कि हमने तुम्हें सिराज मुनीर अता कर दिया, हमने जब तुम्हें सिराज मुनीर अता कर दिया
इतनी बड़ी निस्बत अता कर दी, ये सारी मेहनत हो रही है। मेरे रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वन्हर फसल्ली लिरब्बिक। तर्जमा तो ये रब के लिए नमाज पढ़, लेकिन अगर मफूम उलमा इजाजत दें तो यूं कहूं कि रब की बंदगी कर, रब की बंदगी कर। वन्हर उस बंदगी के लिए जहां रुकावट आए कुर्बानी कर। उसके लिए कुर्बानी कर, और जब उसके लिए कुर्बानी करेगा मेरा रब ऐलान करता इन्ना शारियक हुवल अबतर, तेरा दुश्मन दुम बरीदा होगा शकिस्त खुर्दा होगा। लिहाजा ये इज्तेमाद करके मेहनत की जा रही है कि इस उम्मत का ताल्लुक मुस्तफा से जुड़ जाए, मुस्तफा के अखलाक किरदार हमारी जिंदगियों में आकर हमारी औलादों तक पहुंच जाए। आज तो इस्तेमारी कुव्वतों ने अपनी तहजीब सकाफत तमद्दुन हमारे घर घर पहुंचा दिया, हम तो अपने महबूब नबी का किरदार न खुद अपना सके, आपके अखलाक करीमा को न खुद अपना सके न अपनी औलादों तक पहुंचा सके, तो इसमें किसी और को कैसे ताना दोगे? मुजरिम तो हम खुद हैं, किसी और को क्या ताना दे कि फला साजिश कर गया फला कर गया, ये हम हैं खुद। याद रखना, आखिरी बात कह रहा हूं, जब बाजार जाते हो ना तो गंदम खरीदते हो, और गंदम जब खरीदते हो उसके साथ कचरा भी आ जाता है। इधर तो शायद साफ मिलती हो, हमारी तरफ तो माशाल्लाह, तो डॉक्टर साहब उसके साथ कचरा भी आ जाता है, और फिर उसके साथ पत्थर भी आ जाता है। क्यों मुफ्ती साहब उधर मत से रहे, छोड़ी तो दे हर जगह, तो लिहाजा कचरा भी आ जाता है उसके साथ पत्थर भी आ जाता है। लेकिन आज तक कभी कोई दुकानदार से लड़ता हुआ नजर आया है कि जी ये कचरा निकाल इसको मत तोल पे ना, कहीं को नजर आया? बुलंद आवाज से, जिस तराजू पे गंदम तुलती है उस पे कचरा भी तुलता है, जिस तराजू पे गंदम तुलती है उस पे कचरा भी तुलता है, उस पे कंकर भी तुलता है। पता ये चला कचरा गंदम से जुड़कर इतना कीमती बन गया कि ये गंदम के भाव में तुलने लगा, तो अगर ये उम्मती मुस्तफा से जुड़ जाए तो ये कितना कीमती बन जाएगा। तो फिर कहना चाहिए ना कि निस्बते मुस्तफा बड़ी चीज है। जनाब जामी साहब, निस्बते मुस्तफा बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं, खुद खुदा ने ये फरमा दिया, खुद खुदा ने ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, मैं कारी साहब को, तमाम उनके रुफका को, तमाम मेहमानों को, आज हमारे साथ हजरत मौलाना इब्राहिम अजीज साहब दामद बरकात हो भी तशरीफ फरमाए, डॉक्टर साहब हैं, तमाम जितने मुफ्ती साहब हैं, मौलाना मुमताज साहब, इन सब को
ये यहाँ पे तशरीफ लाए और मैं देख रहा हूँ कि पूरे यूके से हमारे हजरात यहाँ पे आए हैं। अल्लाह आप सब के आने को सुनने सुनाने को कबूल फरमाए, क्योंकि इसके बाद भी प्रोग्राम होना है तो मैं मगरब का वक़्त बहुत महदूद है तो मैं इसी पे इजाज़त दूँगा। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।